वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है रेयांश। तो आज एक नए फ्रेश व्लॉग में आपको फिर स्वागत है। तो देखो हमारा रूम पूरा गंद बट मचा रखी है, इन भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही गंद मचा रखी है और इन्होंने भी ज्यादा मचा रखी है। गुस्सा हो रहा है, देखो ये गुस्सा हो रहा है भाई मेरा। तो कोई नहीं है, चलता है। ये देखो भाई सिंपल सा बैट था, ज्यादा वैसा नहीं है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 800 रुपए, 200 रुपीज पर पर्सन है। तो मिलते हैं आपको, गाड़ी नीचे हमारा वेट कर रही है, तो गाड़ी मिलते हैं। और सेकंड ब्रो, सेकंड दिन है आज, आज कितनी तारीख है संदीप? 1 जनवरी 2021। भाई तेरा रेडी है और हमने कमरा अपना छोड़ दिया है, हमने छोड़ दिया भाई, हम निकल रहे हैं। अरे बैग पैक करके आपको दिख रहा होगा, ये हम स्टेयर से मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं भाई। सही था रूम, मजा था, मजा आया, फुल एंजॉय था, पार्टी लाइट। बस गाड़ी में पहुंचने वाले हैं, अंधेरा है भाई थोड़ा सा, कोई नहीं, माफी देना। हाँ वाह, चौपटे वाली फीलिंग आ रही है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी, ये लगे हुए हैं भाई। और ये हमारे यहाँ पर ही है ना, ये माता रानी का मंदिर है। वाह यार ये गुड, सीरियसली जय भगवान जय। सो रहे हैं, जो आज हमारा सेकंड डे है, तो हम मैं अपना बैक कैमरे से अपना फोटो दिखाता हूँ, है ना। आप जब कभी आपको आना हो किसी को भी, तो आप यहाँ आ जाना भाई। चाय भाई, चाय भाई, चाय पी रहा मेरा, क्या हो जाए, किस किलो हो जाए ये चाय की टपड़ी छोटी सी, बिस्किट लेने। अब यहाँ से इस ब्लॉग में भाई मजा आने वाली है, पूरी फुल टू फुल मस्ती होने वाली है। भाई एक्सरसाइज कर रहा है, बस ये देखो लगा हुआ है। और ये भाई कुछ कह रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके कमेंट। तो बैठते हैं आगे गड्डी में, तेरा गड्डी में आ जाओ। तो अभी हमें निकले हुए कम से कम आई थिंक 1.5 घंटा हो चुका है, तो हमने थोड़ा सा स्टॉप लिया था एक, मैं आपको दिखा दूं नज़ारा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वाय गॉड पहाड़ ऑसम यार सच में, सीरियसली। हाँ, ठंडी हवा चल रही है भाई, गाड़ी में से निकले हा। ये गजब भाई, मैं बता नहीं सकता मैं कितनी सीरियसली यार, वाह यार। थोड़ी देर के लिए और क्या फोटोग्राफी मतलब क्लिक करने के लिए यहाँ भाई, इस जगह व्यू भाई इतना ऑसम व्यू आएगा, मैं अब तुम्हें दिखा दूंगा पहाड़ पे, ये दिख रहा ये चीज भाई सच में सीरियसली भाई, वाह यार अल्टीमेट भाई गॉड, सीरियसली जो मजा आ रही है ना
मैं आपको बंदा कहता हूँ बर्ड में मैं संदीप बयान नहीं कर सकता भाई। गॉड सीरियसली, हाय राम भोले बाबा, तुम ही हो बस, कोई हो ना हो मेरा शंभू है। कौन है मेरा शंभू? ओहो अभी हम आपको बता दें हम कहां पहुंच चुके हैं। ताली को कनक जी, कहां पहुंच चुके हैं हम भरी पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ पहाड़ियां भाई, सच में सुबह 5 बजे निकले हुए हैं, 8 बजने वाले हैं, मजा पूरा आ रही है, कोई कमी नहीं है। चेकआउट बोल दिया भाई ने, चेकआउट बोल दिया तो चेकआउट कर दिया। एक भाई हमारा थोड़ा नेक बिजी है, कोई नहीं मजा फुल आ रही है। तो अभी हमने जो शायद आई थिंक रुद्रप्रयाग क्या, हाँ भाई देखो पीछे हैं, सो रहे नहीं है वो, तो क्या पीछे दबा देना, मैं सो नहीं रहा, मैं लेटा हुआ हूँ। देखो गाड़ी हमारी पूरी एकदम कम्फर्ट वाली है, 7 सीटर इसे बोलते हैं, और देखो सब आराम से मस्त पार्टी मार मार के भाई पूरा फुल एंजॉय करके बैठे हुए। देखो पार्टी, देखो सामना, खाने पीने का सामान सब कुछ, बगल अगल बगल। और एक भाई देखो इधर चुपका हुआ है, कहाँ है वो, तो गायब हो गया है इसमें, इधर चुपका हुआ है। हमारे ड्राइवर भैया अपनी गाड़ी मस्त चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एकदम फुल्ली फाड़ू सीन है, ठंड भी बाहर है, गाड़ी में कोई ठंड नहीं है ना। और हम तुम्हें थोड़ा कैमरा, बैक कैमरे से तुम्हें बाहर का व्यू दिखाते हैं, देखो वो आप GoPro से देखो। तो पराठा खाने के लिए निकल रहे, तो भी नीचे से आए ऊपर,
बेहतरीन पराठे आमलेट ही नहीं हुई है ना पराठे आए हो वाह यार भाईजान बहुत बड़ी गलत बहुत ही मतलब बड़ी मिस्टेक हो गई पता है इतने किलोमीटर आगे निकल गए 10 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर आगे निकल आए पीछे निकल गए और फाइनली हमें हाँ जो दुग्गल बिठा है वो मतलब हमें मतलब सही पहुंचा देगा मुझे लगता है कोई नहीं भाई फर्स्ट टाइम है बनता है भाई इतना तो बट लेकिन क्या है ना आगे से भाई तो आगे किसी को गाइड भी कर देंगे बट लेकिन गूगल के कभी भरोसे मत रहना भाई सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे जो बोलेरो वगैरह जो गाड़ी चलाते हैं यहाँ के लोकल जो लोग हैं यूके वाले उनसे बातें करो वो तुम्हें बता देंगे प्रॉपर तरीके से तुम्हें किस तरीके क्या डिसीजन करनी है अगर तुम गूगल के भरोसे चलोगे तो यहाँ रास्ते इतने बने हुए हैं नेक रास्ते भाई छोटे मोटे कोई नहीं यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं जहाँ हम जो चौपटा जा रहे हैं वहाँ पे चौपटा पे भी काफी चीज है ना चौपटा मतलब यहाँ पे 2-3 चौपटा मतलब काफी चौपटा है बता नहीं सकता मैं तो कोई टेंशन नहीं लेने की है हम ब्लॉग में भी कंटिन्यू है चल रहा है हमारा ब्लॉग तो हमारे जो सिद्धांत कनक है वो थोड़ा मैप लेके बैठे हुए हैं तो ऑलरेडी भी थोड़ा टेंशन में लग रहा है मूड में भैया हमारे सो रहे हैं स्लीप मोड पे से हैं थोड़े से अब एक्टिव हो गए अब दो कैमरे भी आगे एक्टिव हो गए ना ठीक है टेंशन नहीं लेने का हमें वो 15-20 किलोमीटर वाला नहीं जाना है चलो तो वीडियो पे बने रहिए वीडियो देखते रहिए और हाँ अभी आपको एक बात और बता दूं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो बजा ही लोगे यार भैया टेंशन मांगे मुझे लगता है ऐसा है ना भाई बगल में देखो आगे आगे भाई बगल में देखो व्यू दिखाता हूँ मैं यार तुम्हें अब ऐसा है अब ट्रैक की तो भूल जाओ अब एंजॉय कर लो पूरे व्यू भाई देखो ट्रैकिंग हम मॉर्निंग करेंगे मॉर्निंग में अभी रास्ते हम ट्रैक का हां सुबह का मत बना मॉर्निंग करेंगे वहां जाके सलाह लेंगे बिल्कुल लोगों से सलाह लेंगे पहले हम अपना सुबह का सलाह अरे उसने बताया ना कौन से वो एरिया गुप्तकाशी केदारनाथ इतना फाटा इतना है प्राण बोर्ड पर सब लगे हुए हैं भी तो वहां पे हम गाड़ी में हैं ओ मिलते हैं ओए जिल वाला कोई होगा आसपास वाले चलेंगे ये धूम तो हम लोग हैं ना जो डुगल बिट्टा पे रुके हुए हैं मतलब डुगल बिट्टा पहुंचने वाले हैं ऐसा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है तो कुछ चाय वाय वगैरह स्नैक्स वगैरह के लिए रुके हुए थे तो यहाँ पे हमारी जो अभी चल रही है फोटो सेशन चल रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत व्यू यहाँ का आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैमरे में ये देखो ये मैं चाहता हूँ ये चीज आप मिस ना करें तो अच्छा है बहुत ही तो मैं आपको एक बार लास्ट बार कहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें तो मिलते हैं आगे ट्रिप पे बने रहें और देखते रहें किस तरीके के होते हैं हमारा एक और स्टॉप हुआ है जो हम जो स्टॉप हमारा हुआ है हम यहाँ रुके हैं आपका सॉरी तो यहाँ कैंपिंग वगैरह देखने के लिए लोग वाह अल्टीमेट सीरियसली मजा आ रही है अरे बहुत अच्छे
ये देखो भाई व्यू है मजेदार। मैं अभी कहना मैं एक थोड़ा कैंपिंग विजिट किया था, आप देख सकते हैं कैमरे में आपको दिख रहा होगा, बट लेकिन क्या वहाँ पे अभी प्राइस ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सही है, बट लेकिन क्या अभी हम थोड़ा चौकटा की तरफ बढ़ रहे हैं, बट लेकिन हमने जो प्राइस अभी क्या नाम है हमने जो कैंपिंग देखी थी ये बनिया कुंड पर देखा हुआ है, तो प्राइस तो सही है, बट लेकिन क्या है अभी हम चाह रहे हैं कि आगे और देखें, तो देखते हैं शायद हमें प्राइस और कम मिल जाए या चौकटा की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा हमें प्राइस मिलेंगे ऐसा बोला जा रहा है हमसे, 3.5-4.5 हज़ार कोई नहीं देखते हैं भाई। तो हमने गाड़ी है ना जो यहाँ पे पार्किंग है नॉर्मल सी पार्किंग है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो हमने गाड़ी अपनी वहीं पार्क कर दी क्योंकि आगे ज़्यादा लेके जाना सही नहीं है चौपटा पे, क्योंकि बाद में गाड़ी को मोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने पीछे ही गाड़ी खड़ी कर दी है। तो हम अब जा रहे हैं बर्फ की तरफ जहाँ हमें सुबह मॉर्निंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या है हम चाह रहे हैं अपनी जो लोकेशन है वो हम अभी देख लें क्योंकि बाद में परेशानी ना हो, और जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है 250 ग्राम 100 ग्राम सी और आधी किलो सी वो भी देख लें। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, बर्फ़ दिखाऊंगा तो मैं थोड़ी थोड़ी और कुछ तो आपको उन्हें एंजॉय कीजिए मेरी तरफ से, तो मिलते हैं आपको वीडियो पे। ओके सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं व्यू देखना एकदम ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैकिंग करना देख करके देखता हूँ कैसे है क्या ये, सच में यार मजा आया यार सीरियसली।
बैठे हुए हैं, पहले एक बार आप रूम देख लो, है ना, जो डुगल बिट्टा वाला रूम है ना ये भाई, रूम सब रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं, सुबह के चले हुए हैं। और ये हमारे चाचा जी हैं हाँ, इन्होंने ड्राइव बहुत मतलब हरिद्वार से लेके यहाँ तक पूरा मस्त व्यू दिलवाया, पहले घर से दिलवाया। तो हम जो डुगल बिट्टा पर पहुंच चुके हैं, हमने अपना रूम भी ले लिया है, हमारा जो रूम है 1500 रुपीज का है, इसमें हम 5 पर्सन है, तो हमें इसमें जो चीज दे रखी है, एक डबल बेड दे रखा है और ये ब्लैंकेट दे रखी है, पिलो भी है साथ में, और ये हमारे फ्रेंड्स वगैरह, ये संदीप और हमारे चाचा जी हैं जो गाड़ी ड्राइव करके लाए थे, और ये इधर हमारे विक्रांत भाई हेलो, इन्हें एक सिंगल बेड स्पेशली दे रखा है क्योंकि ये रात में डबल बेड है, ब्लैंकेट डबल है और प्लस क्या नाम है, रात में चलाते हैं टेंट। और एक हमारा भाई गया है, 1500 रुपए का पड़ा है, बट लेकिन इसमें खाना अलग है, वो पर प्लेट की प्लेट है 120 जो हमारी रहने के लिए सबसे बढ़िया, जो हमारी प्लेट है वो 120 की है। अगर आपको टुमना तारे हो या आप आगे जाना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो डुगल बिट्टा सबसे बेस्ट जगह है रहने के लिए, स्टे के लिए, नाइट स्टे करनी है तो यहाँ पे आपको कैंपिंग वगैरह भी कराते हैं, कैंपिंग भी है और प्लस का नाम है बोन फ्राई वगैरह भी है, सब कुछ है। बता दूं आपको, देखो समय समय की बात है ना, हमारे लिए प्राइस अभी 1500 रुपए है, आपके लिए प्राइस शायद 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं ना, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, सिंपल सी बात है, हाँ ये सिंपल सी बात है भाई, समय समय का खेल है, हमें अपना कन्विंस हमने कर लिया भैया को, तो हमें 1500 रुपए में पड़ गया, तो हम चारों बंदे पांचों बंदों के लिए। जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग न्यू ब्लॉग आएगा वो मॉर्निंग में आएगा, जो हमारा न्यू ब्लॉग होगा वो यहाँ से शूट होगा डुगल बिट्टा से लेके तुंगनाथ चौपड़ा होते हुए चंद्रशिला सीधा ट्रैकिंग करेंगे, वहां पहुंचेंगे, वीडियो में पूरा दिखाएंगे और प्लस नीचे उतर के आएंगे वो भी दिखाएंगे, वीडियो का फुल आनंद लीजिए। और हाँ, जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन है उसे दबाएं, ये देखो ये वाला रेड बटन होगा, कोई सा भी हो दबा दो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।